हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट्स। देखिए, बेस्ट कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ, मतलब ट्वेल्थ क्लास होने के बाद कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो करने चाहिए, जिनसे आपका करियर सेट हो सकता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे। बेसिकली वो ट्वेल्थ से बिलोंग करते थे, जिनकी अभी भी ट्वेल्थ पास आउट हुई है, और उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्वेल्थ क्लास तो हमने पास आउट कर ली, अब जाके करना क्या है आगे। ग्रेजुएशन तो वो करेंगे, बट इसके अलावा भी क्या इससे बेस्ट भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा बेस्ट कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तीन स्ट्रीम होती है आपकी ट्वेल्थ में, और इन तीनों ही स्ट्रीम के लिए जो बेस्ट कोर्सेज है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उनको ये कंफर्म हो जाए कि ट्वेल्थ के बाद हमें किस लाइन में जाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ आर्ट्स की, क्योंकि आर्ट्स वाले पहले नंबर पर आते, तो पहले मैं बात करता हूँ आर्ट्स की, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूँ आर्ट्स की, तो अभी मैं आपको डिप्लोमा कोर्सेज बताऊँगा। देखिए, डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज, ये दो साल के हैं, दोनों के दोनों जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब इन्हें अगर आप कर लोगे तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं कन्फर्म हो ही जाती है। तो अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, अगर आपने ट्वेल्थ में आर्ट्स ली थी, तो 11 कोर्सेज ऐसे हैं जो आपने, अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इन्हें कर सकते हो। पहला जो कोर्स है उसका नाम है मल्टीमीडिया में डिप्लोमा, मतलब आप मल्टीमीडिया में डिप्लोमा कर सकते हो। फिर दूसरा है संगीत में डिप्लोमा, अगर आप संगीत की रुचि रखते हो, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप संगीत में डिप्लोमा कर सकते हो। फैशन डिज़ाइन में डिप्लोमा, देखिए फैशन डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, आज के टाइम पर काफ़ी क्रेज है, काफ़ी ज़्यादा क्रेज है फैशन डिज़ाइन का, ठीक है। तो अगर आप फैशन डिज़ाइन में डिप्लोमा करते हो तो अलग अलग तरह के, जैसे आपने देखा होगा जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, उनकी जो ड्रेस वगैरह होती है उनमें आपको काम मिलता है, उनका फैशन किस तरीके का होता है उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। उसके बाद है चौथा फोटोग्राफी में डिप्लोमा। देखिए, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें फ़ोटो लेना अच्छा लगता है, हमें सेल्फी लेना अच्छा लगता है, तो क्यों ना आप इसे डिप्लोमा कर लो। फोटोग्राफी में अगर आप डिप्लोमा करते तो ये काम ऐसा है कि आप शादियों में देखो, आप जैसे कहीं शूट पे जाओगे, जैसे किसी की मॉडल की फ़ोटो लेना, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है इसमें भी, ठीक है। फिर है इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब ये हो गया कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े फ्लैट्स जो रहते हैं उसमें इंटीरियर होता है, मतलब आपने देखा होगा जैसे वो मैनेज करते अपने, जैसे डेकोरेट करना कुछ भी, ठीक है, तो वो सारा इंटीरियर में आता है। जितना भी ऐसे कोर्सेज जो इंटीरियर में आता है वो सारा डिजाइनिंग डिप्लोमा में माना जाता है। फिर छठा कोर्स है वो विज्ञापन और विपणन में डिप्लोमा। आई थिंक मिस्टेक है, कोई नहीं, विज्ञापन में डिप्लोमा। और ये विज्ञापन का मतलब है जैसा मैगजीन वगैरह जो छपती है आपने देखा होगा, तो उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। फिर सातवा है एनिमेशन में डिप्लोमा, 3D एनिमेशन में डिप्लोमा। देखिए, 3D एनिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे तो चल ही रहा है, आप सभी को पता होगा। तो अगर आप ये कर लोगे तो आप कहीं एनिमेटर बन सकते हो, कोई भी कार्टून वगैरह। बाकी इंटीरियर वाला जो मैंने आपको बताया ये तो बेस्ट है ही, ठीक है। उसके बाद ध्वनि रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा, साउंड्स रिकॉर्ड करना। देखिए, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, जो ऐसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे, ध्वनि रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा, ध्वनि रिकॉर्डिंग जो आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं उनकी भी एक जॉब होती है, ठीक है। फिर है यात्रा और पर्यटन में डिप्लोमा, मतलब गाइड। गाइड का मतलब ये है कि आपने, जैसे आप कनाड प्लेस वगैरह जाते होगे, अगर आप इंडिया गेट वगैरह जाते होगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक गाइड होता है जो फॉरेन से जो यात्री आते हैं, जो लोग आते हैं उनको गाइडेंस देता है, गाइड करता है, उनको बताता है इनकी हिस्ट्री। तो ये सारा यात्रा और पर्यटन में डिप्लोमा होता है। पर्यटन में अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपका काफ़ी स्कोप है, आपको देखा होगा इसका पैकेज तो रहता है, पूरे एक बंदे का टूर का पूरा पैकेज रहता है, जब तक वो उसे घुमा फिरा नहीं देता, तो काफ़ी अच्छा है। फिर आपका विभिन्न भाषाओं में डिप्लोमा, विभिन्न भाषाओं का मतलब लैंग्वेज कोर्सेज, जैसे आपका जैपनीज हो गया, फॉरेन हो गया, आपका फ्रेंच हो गया, आपका चाइनीज़ हो गया, कई सारे कोर्सेज है, ठीक है, इनमें आप कर सकते हो अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो। अब ज़रा बात कर लेते हैं
साइंस स्ट्रीम की, मतलब जो साइंस साइड से बिलोंग करते हैं उनके लिए 12 के बाद के लिए कई कोर्सेज है, जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा। क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करूँ तो अगर आप साइंस साइड में, अगर आपने साइंस साइड से की हुई है 12 और अगर आप चाहते हो कि साइंस साइड से मैं कोई अच्छा कोर्स करूँ, तो आप क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हो। क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा करने का बेनिफिट ये है कि आप खुद की लैब खोल सकते हो, ठीक है। फिर आपका डायलिसिस टेक्निक में डिप्लोमा, ये भी आप एक मेडिकल लाइन है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आप साइंस साइड से, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज के टाइम पे तो आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल में कितना स्कोप है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। फिर स्त्री रोग और प्रसूति में डिप्लोमा, देखिए स्त्री रोग अगर मैं साइंस साइड की बात करूँ, आज के टाइम में महिलाओं को कई गंभीर बीमारियाँ होती हैं और आप इनके विशेषज्ञ भी बन सकते हो, ठीक है। उसके पाँचवा स्वास्थ्य निरीक्षक में डिप्लोमा। देखिए स्वास्थ्य निरीक्षक का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको एक रूम में मरीजों के सामने दे दिया जाएगा, आपको उनमें नज़र रखनी होगी कि उनमें जो हमने मेडिसिन दी हुई है या उनके जो भी उनको कोई भी, जैसे वो पेशेंट है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उनके वातावरण में देखना है कि उनके नेचर में क्या क्या फ़र्क आ रहा है, तो इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये सारी मेडिकल लाइन जॉब है और सारी मेडिकल लाइन डिप्लोमा है। नर्सिंग में डिप्लोमा, नर्सिंग डिप्लोमा करते हो तो आप नर्स बन सकते हो। फिर है सातवां मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। मेडिकल लैब का मतलब है कि आप लैब असिस्टेंट बन सकते हो डिप्लोमा करके। कृषि में डिप्लोमा, अगर कृषि डिप्लोमा करते हो, सारे साइंस साइड वाले हैं, तो आप बीज वगैरह की जानकारी आपको मिल जाती है। फिर है एनेस्थीसिया में डिप्लोमा। एनेस्थीसिया में डिप्लोमा करते हो तो आपको अच्छी जानकारी हो जाती है किसको कितना एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका बीमानन में डिप्लोमा। फिर आपका आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको आयुर्वेदिक का ज्ञान हो जाता है, आप खुद की अपनी आयुर्वेदिक की मेडिकल भी खोल सकते हो। फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। केमिकल इंजीनियर का तो काफ़ी स्कोप है, आपको मैं एक पैकेज बता रहा हूँ। एक केमिकल इंजीनियर की एक साल की जो इनकम होती है, एक कन्फर्म लिमिटेड कंपनी में अगर होगा तो 15 से 20 लाख का पैकेज होता है केमिकल इंजीनियरिंग का, अगर आप इसको करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सिविल इंजीनियरिंग आप सभी को पता होगा माइनिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे हो, मेट्रो को देख ही लो, ठीक है। फिर चौथा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा, अगर प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूँ तो इसका एक साधारण उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे मरम पट्टी, चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है। उसके बाद है समुद्री विज्ञान में डिप्लोमा। समुद्री विज्ञान में डिप्लोमा करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको जहाज़ वगैरह, जैसे आपने देखा होगा समुद्री जहाज होते हैं, उनमें जैसे बुलाया जाता है आपको, आपको नॉलेज हो जाती है अच्छी खासी समुद्र की, ठीक है। तो ये सारे डिप्लोमा आपके साइंस साइड वालों के लिए प्रोफेशनल है, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी महंगे हैं, काफ़ी महंगे कोर्स हैं ये, बहुत ज़्यादा महंगे कोर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम के जितने स्टूडेंट हैं, दो डिग्री मतलब 2 साल के कोर्सेज है सारे, और सारे डिप्लोमा डिग्री दोनों हैं, ठीक है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कॉमर्स वाले, ठीक है। दूसरा है होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। होटल मैनेजमेंट कॉमर्स वालों की पहली पसंद है मैनेजर बनने के लिए। तीसरा है फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा, फिर ठीक है। फिर है लेखा में डिप्लोमा, जैसे आप एंट्री वगैरह करते हो, ठीक है। फिर है बैंकिंग और वित्त डिप्लोमा, अगर आप इसको कर लेते हो तो आप GST वगैरह में जॉब लग जाती है। फिर है उन्नत लेखों में डिप्लोमा। फिर है प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार। डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा। डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा ट्रेड है, आप देख लीजिए कई सारे पैसा लगाते हैं लोग ऑनलाइन, तो आज के टाइम में काफ़ी क्रेज है, ठीक है। फिर है वित्तीय लेखा में डिप्लोमा। व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का मतलब समझ तो BCA कर लोगे, IT सेक्टर में जॉब लगेगी। औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज है आपके कॉमर्स साइंस और आर्ट्स के। अब कुछ ऐसे कोर्सेज जिन्हें तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, उन कोर्सेज के बारे में भी जान लेते हैं जो कि करने के लिए अन्य कोर्सेज है। जैसे रेडियोग्राफी में डिप्लोमा, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक में डिप्लोमा, मतलब कि अगर आप ये दोनों ये सारे जो कोर्सेज है कोई भी कर सकता है। रेडियोग्राफी का मतलब है, आपने देखा होगा जो आपने ये जो अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता है, जैसे आपने किसी लैब में देखा होगा, तो उसमें जो असिस्टेंट रहते हैं वो सब यही करे हुए होते हैं। फिर आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्निक में डिप्लोमा। एक्सरे डिप्लोमा, एक्सरे मतलब जो एक्सरा लेता है उसका भी डिप्लोमा होता है, कैसे लिया जाता है। आपने देखा होगा आप किसी सरकारी या प्राइवेट लैब में गए होंगे तो एक बंदा एक्सरा करता है, कभी आपने उसकी क्वालिफिकेशन नहीं जानी होगी, तो वो एक्सरे प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा करते हैं। फिर है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, फैशन डिजाइन में डिप्लोमा,
आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा अपनी मेडिकल खोल लो, एनिमेशन और मल्टीमीडिया में डिप्लोमा कोई भी कर सकता है, प्रिंट मीडिया पत्रकारिता संचार में डिप्लोमा अगर आप न्यूज एजेंसी खोलना चाहते हो या पत्रकार बनना चाहते हो ये कर सकते हो, फिल्म निर्माण और डिजिटल वीडियो निर्माण में डिप्लोमा। तो ये सारे कोर्सेज जो कोई भी कर सकता है, और बाकी ये जो मेन कोर्सेज जो अलग अलग स्ट्रीम के लिए मैंने बताए हुए बेस्ट कोर्सेज, बाकी इनके अलावा जो कोर्सेज है वो है बीए बीकॉम अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, इनके साथ भी ये कोर्सेज कर सकते हो क्योंकि ये सारे डिप्लोमा है और डिग्री के साथ आप इन्हें कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये कुछ कोर्सेज थे, बाकी इसके अलावा भी और कोई जानकारी मैं अभी ज़रूर बताऊँगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच।